हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियरिंग सोलंकी, आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है आपके रेलवे के अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये जो क्वेश्चंस हैं, और आशा करता हूँ कि संभावित प्रश्न जो है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे की विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएँ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जो सेक्शन है हिंदी इंग्लिश, जिस तरीके से जो क्वेश्चन मिलते हैं वो हमने लिए रखे हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हूज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 13 इंच, 15 इंच है, ठीक है। अब देखो, ना तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जो हम क्यों बोलते हैं बेस इनटू हाइट नहीं कर सकते। तो जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या निकालते हैं, सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर निकालने का मतलब क्या है, 13, 15 और 14 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 13, 13, 26, 13, 39 हो गया, यानी कि 39 के बाद 40 और 2, 42 यानी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 21, ठीक है, सेमी पैरामीटर 21। अब हमारे पास हीरोन्स फार्मूला है जो एरिया निकालने का काम आता है, वो कैसे निकालते हैं हम, S, S-A और S-B और S-C इस तरीके से निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया 21, 21 में से अब 13 माइनस करेंगे तो ये बार बार हर को करना पड़ेगा, 21 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 21 में से 13 मार्क करेंगे, 11 में से 3 गई तो 8, ठीक है, 8 यहाँ से बचा। ऐसे क्या करेंगे, ये 21 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6, ठीक है। और अब क्या बचेगा हमारे पास, 21 में से 14 माइनस करेंगे, 21 में से 14 माइनस 11 में तो 7 बचेंगे, ठीक है, 7। अब क्या करते हैं ये, ठीक है, रूट ले लेते हैं इसका। तो एक काम करते हैं, 7 × 3 लिख सकते हैं, 7 × 21 और 1 × 7 ऑलरेडी हमारे पास है। और देखो ये क्या लिख सकते हैं, 3 × 6 लिख सकते हैं इसको, 3 × 6, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, ठीक है। तो ये क्या होएगा, 7 तो ये हमारे वहाँ पर आ गई, एक 3 आ गया, ठीक है, 7 और 3 21 तो वैसे ही हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 2 और 2 और इसका भी 4 का भी रूट हो जाएगा, यानी कि 4 बचा, हम बोल सकते हैं 4 इसी के अंदर 4, तो 21 × 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 84 इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 84 यूनिट होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन भी जल्दी से जल्दी आपको करना है, ठीक है। हमसे पूछता है कि 2/5 द मार्क प्राइस इज इक्वल टू द 5/8 ऑफ द सेलिंग प्राइस बटे द डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। हमसे बोला है कि मार्क प्राइस जो है 2/5 है वो किसके इक्वल है, 5/8 है सेलिंग प्राइस के, ठीक है, सेलिंग प्राइस है। तो अब हम ये क्या करते हैं कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या ले सकते हैं, रेशो ले ले, ठीक है, रेशो ले लेते हैं। तो 5/8 है और ये क्या बचेगा, ये जो क्या होएगा इसके नीचे आएगा, तो हमारे पास 2/5 है तो ये क्या होएगा हमारे पास, ये इसके नीचे है ना, इससे डिवाइड करना है हमको, ठीक है, 2/5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 25/16, यानी कि 25 की चीज़ को हमने 16 में बेचा तो हमारे पास कितना वो हो जाएगा, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 9, 9 × 6 = 15 होते हैं, ठीक है, 9, यानी कि 9 रुपये का डिस्काउंट दे रखा है, और 9 रुपये का डिस्काउंट दे रखा है हमको, क्या पूछा, डिस्काउंट परसेंटेज पूछना है। तो 9 का डिस्काउंट है जो कि मार्केट प्राइस तो हमारे पास 25 है, और परसेंटेज में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 25 × 100 होते हैं, तो यानी कि 9 × 6 = 36, तो ये क्या होगा, 36%, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा है, इफ 20% ऑफ पी इज एडेड टू द 40% ऑफ क्यू, देन द रिजल्टेंट्स कम 80% ऑफ क्यू, व्हाट इज द पी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे बोला है कि 20% जो है पी का ऐड कर रहे हैं, इज एडेड टू 40% ऑफ क्यू, ठीक है। अब ये क्या, जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो क्या आ रहा है, देन द रिजल्टेंट्स कम 80% ऑफ क्यू, अब ये क्या बोले, 80% ऑफ क्यू बन जाएगा, ठीक है, 80% ऑफ पी इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ क्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, देखो 100 को तो हटा ही दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से, क्योंकि तीनों में कॉमन हो गया एक तरीके से, ठीक है। ये क्या हो गया, 20p है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80q - 40q हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 40q हो जाएगा, ठीक है। तो 20p बराबर क्या हो जाएगा, 40q, ठीक है। तो 20 × 20, 20 × 2 = 40, यानी कि क्या हो जाएगा, 1p बराबर क्या हो जाएगा, 2p हो गया, ठीक है, यानी कि p अपॉन q का जो रेशो आएगा 2:1 हो जाएगा हमारे पास। p की वैल्यू 1 बोल सकते हैं, q की वैल्यू हम 1 बोल सकते हैं। अब बोला है p इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ q,
पी जो है वॉट परसेंटेज ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू वन है, अब इसका परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी गाइस पेन नहीं चल रहा, ठीक है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 200%, तो ये क्या होगा 200%। ठीक है, बस जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी हिसाब से आप उस लैंग्वेज में चलते जाना है तो बेहतर आंसर आसानी से आ सकता है। ठीक है, हमसे बोला है टीना अलोन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 डे, ठीक है टीना किसी काम को 12 दिन में कर सकती है, मीना किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है, इफ टीना एंड मीना अंडर टुक टू वर्क्स 18,000 हाउ मच द मिलेगा, ठीक है मतलब 18,000 रुपये में ठेका ले रखा है उन्होंने, अब वो मीना को कितना मिलेगा तो इफिशेंसी के हिसाब से मिलेगा, तो हम ले सकते हैं 60, तो 12×5=60, 15×4=60, ठीक है, और मीना, मीना की क्या है 4/9 और मल्टीप्लाई बाई 18,000 करेंगे, ठीक है तो 9×2=18 यानी कि 4×2=8, 8,000 रुपये जो क्या किसको मिलेंगे मीना का वर्क पे होगा उसके काम के हिसाब से। तो इजी क्वेश्चन है, वेजेस के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, हमसे पूछा है कि रेडियस ऑफ टू सर्कल इतना दिया रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इतना दिया, लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉर्नर, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस दे रखा है ना, डिस्टेंस बिटवीन दो सेंटर, इसमें से जो माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, जो रेडियाई जो है ना, ये रेडियाई इनका जो माइनस है, इनका क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, इनका माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये तो क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा इसका, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 में से 5 गई तो 15 या 7, एक मीटर को 12 में से 5 गई तो 7 बचेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 625 - 49, तो हमारे पास क्या हो गया, 15 में से 9 गई तो 6 और 12 में से 5 गई तो 7 और ये हो गया 76, यानी कि 576 का रूट लेंगे, तो 576 किसका रूट होता है, 24 का। ठीक है, 24 का इसका रूट होता है, करके देख लो आपको नहीं आता कि, ठीक है क्या करते हैं, मैं तो ऐसे करता हूँ, 4×16 2×2=4, 4×4=8×16, ठीक है 6, 7, ये 576 क्या हो जाएगा आपका, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 24 आपसे आ जाएगा 576। ठीक है, द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है निकालने के लिए आपके बहुत तरीके हैं, द एवरेज ऑफ, इनका एवरेज ऑलरेडी हमको दे रखा है, ठीक है सबका एवरेज हमको दे रखा है, ये बोला है कि सबका एवरेज आपको 30 दे रखा है। ठीक है, अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसका ऐड कर दो और जितनी वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो रास्ता ये हो गया आपका, ठीक है, और एक रास्ता ये है कि जब आपको एवरेज दे रखा है, देखो अब ये क्या करेंगे, इससे डेविएशन से निकाल सकते हैं, ये 32 से कितना आना है, +2 है, ये किससे आना है, +2 है, ये कितने है, +8 है, और ये कितना है, माइनस का 9, 21 और 9 क्या होएंगे, 30 हो जाएगा, और ये क्या होएगा, माइनस का 4 है, और हमने कोई मान ली कि एक्स कोई जो संख्या है वो क्या हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो जो डेविएशन जो कितना आ रहा है, 4 से 4 तो वैसे ही कट गया हमारे, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 - 1 यानी क्या हो गया हमारे पास, 1 हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव आया है, यानी कि ये जो वैल्यू है यानी कि पॉजिटिव है, इसमें कम करनी पड़ेगी, 1 है ना, 1 जो एवरेज होगा इसका, ये जो है उसमें से कम करना पड़ेगा, यानी कि ये जो इसकी वैल्यू हम सकी सबका एक्स है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू 30 ही होगी, पर लेकिन यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि डेविएशन के हिसाब से क्या 1 ज़्यादा आई है, तो 1 ये जो प्लस में आया है ना, तो इसको क्या करेंगे, माइनस में करेंगे, क्योंकि 6 ये तो 4 से 4 कट गया, तो डेविएशन जो आया है हमारा क्या हो रहा है, 8 और 2 10 हो रहा है, और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 में से 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आया, तो 1 जो आया है, 1 वो क्या करेंगे, हम इसमें से 1 माइनस करेंगे, तो ये जो एक्स की वैल्यू जो होगी क्या होगी हमारे पास, 29 आएगी, इसलिए आएगा। वैसे आपको ईजी भी है क्योंकि सम भी कर सकते हो, आपको इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं करना। ठीक है, हमसे बोलता है एक वस्तु के दुकानदार को अंकित मूल्य पर 40% की वृद्धि करने का निर्णय लेता है, वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेचने पाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। ठीक है भैया, बोल के कि ये कोई चीज़ होगी 100 की है, पर लेकिन क्या हुआ 140 की क्या कर देता है, वो बढ़त कर देता है, वृद्धि कर देता है। ठीक है, हमने बोलिए एक दुकानदार यानी कि ये CP हो गई, एक मार्केट प्राइस बोल सकते कि जो मूल थी, पर लेकिन उसको 40% अधिक वृद्धि कर दी। अब वो क्या बोलता है, अब वो ये बोल रहा है कि वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेचना चाहिए, मूल अंकित मूल्य पर, यानी कि अब ये बोल रहा है कि ये जो 100 पे अगर इसको बेचते तो हमें कितने का, तो ये क्या हो गया 40 का डिफरेंस आ गया, तो 40 बटे 100
चालीस बटे 140, सॉरी, क्योंकि आप तो इसके रिस्पेक्ट में बेचेंगे ना इसको, तो हम क्या करेंगे 40 बटे 140 और इसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा, दो से गया, ये क्या बचे हमारे पास सात बचेगा, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय सात, तो ये क्या आएगा, सात दूनी 14, बची ये सात आठ 56, ठीक है, तो क्या बचेगी चार, तो 28 सही 4/7 ये क्या आएगी परसेंटेज में हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि मूल अंकित मूल्य पर बेचना है, ये जो है ना अंकित मूल्य पर ही बेचे जाने के लिए कह रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में बेचेंगे ये चीज, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। राधिका ने एक बैंक कैशियर से अनुरोध किया कि उसके पास 1845 के चेक के बदले उसके सिक्के दे दो। कैशियर ने उसे 5 रुपये 10 रुपये के पैकेट के रूप में अनुपात में बेचे, सबसे छोटे सिक्के का मूल्य क्या है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो रेशो क्या होता है, 3, 5, 7 ये दे रखा है, और इसके हमारे पास ये क्या हो गया, रेशो का ये है। अब हमसे क्या दिया, इसी तरीके रुपए में भी दे रहा है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 20 से करेंगे, ये रुपए में बन जाएगा, तो ये क्या होगा, 5 × 15, 5 × 50 और 7 × 14, और ये किसके बराबर है, यानी कि ये एक्स मान लिया हमने एक तरीके से, ये जो आएगा वो किसके बराबर है, 1845 रुपए के बराबर। एक काम करो, पहले तो इसको काट लेते हैं, 5 × 15, 5 × 50 और 5 × 10, 5 × 10 हो जाएगा, ठीक है, तो 14 × 28, ठीक है, ये हो गया, और तो कट ही नहीं रहा हमारे पास, 18, 45, ठीक है, ये हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास, 13 और 18, 28 कितना हो जाएगा, 8 × 3 11 की कहाँ से लगी, ये 3 × 2 41, यानी कि 41x की वैल्यू हमारे पास क्या दिया, 14, 184। अब इसमें डिवाइड देख लो, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 41 से इंटू करेंगे, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 4×5 = 20 होते हैं, 5 से तो नीचे नीचे जाएगा, यानी कि हम क्योंकि 4 भी लेंगे तो यानी 41 × 4 = 4 देंगे, 4 × 4 = 16, 164, ठीक है, तो 4 से गया है तो हमारे पास क्या आएगा, 164025। अब 41 × 5 करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 × 20, तो यानी कि ये क्या आएगा, 5 है, यानी कि 41 डायरेक्टली कट रहा है, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 45, ठीक है, 45 आ गई, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, हमसे क्या पूछा, सबसे छोटा तो आपको मालूम है कि ये 3 के ही रेशो है और 15 से, यानी कि ये जो है इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 45 × 3 करेंगे तो 45 × 3 क्या आएगा, 5 × 15 = 5, हाँ से लगी है, 1 × 4 = 12 × 13, तो ये क्या होएगा, 135 रुपए का ये जो मूल्य होंगे वो सबसे ज़्यादा कम होंगे वो, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, इस ये भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है, याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। हमसे बोला है कि एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्चे पर, वेतन का 20% किराए पर, शेष वेतन में 30% टर्न को धन की, तो उसके पास 20,000 रुपये, तो उसका वेतन क्या है, ठीक है, देखो कितना कर दिया है, 60% तो उसने होम पे खर्च कर दिया है, ठीक है, होम पे मान लिया, अपने वेतन का 20% किराए पर, 20% उसने किराए पर कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, 80% तो उसने खर्च कर दिया, अब उस पर क्या बचा, 20%, अब वो 20% का भी, 20% का भी क्या कर रहा है, 80% वो क्या बढ़ जा रहा है, उसके पास यदि कितने बचे हैं, 20,000 रुपये बचते हैं, तो उसका वेतन जो एक्स आएगा, तो देखो 2 0 से 2 0 तो वैसे ही कट गई, 2 से इसको वैसे काट लो, ठीक है, अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा मेरे पास, पहले तो 4 बचेगा, ये क्या बचेगा 50, और ये क्या बचेगा 2, और ये क्या गया आपके पास 25, और इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास 5, तो ये क्या आएगा मेरे पास 25 × 125, गड़बड़ कर दी कुछ ना कुछ, कुछ गड़बड़ कर दी हमने, ठीक है, देखते हैं क्या गड़बड़ कर दी है। एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, ठीक है, अपने वेतन का 20% किराए पे, और शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया, यानी कि जो 20% ही तो बचा होगा, 20%, अच्छा वो बोल रहा है कि 20%, और जिसके पास शेष है, अच्छा ये बोल रहा है कि जो 20% है, 20% की जो वैल्यू है, 20% की जो वैल्यू आपको कितने दे रखी है, ये 20,000 रुपये दे रखी है, 20% की वैल्यू उसने 20,000 रखी है, तो और शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया, ठीक है, तो उसकी इसी से तो पता पड़ेगा कि उसकी इनकम क्या है, उसकी इनकम जो है यानी कि
किराए पर 20% किराए पर शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया, 80% उसने ट्रस्ट को दान कर दिया, ठीक है। नहीं 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 गड़बड़ कर दिए, रुको जरा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की लय को देखो दोबारा से समझते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, कभी कभार हो जाता है। देखो चलो इसको भी हटा देते हैं हम, ठीक है। देखो क्या कह रहा है हमसे, हमसे क्या कह रहा है, हमसे बोल रहा है कि, हमसे बोला है कि एक एक मिनट सो, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% खर्च किया, ठीक है, 60% तो घर पे खर्च किया, अपने वेतन का 20% किराए पे, शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दे दिया। देखो क्या हुआ हमारे पास, 60 और 20 क्या हो गया, 80। अब उसके पास क्या, 80% तो खर्च हो गया, हमने मान ली 100 था, तो उसके क्या बचा, उसके पास बचा कितना, अभी जो शेष है वो कितना बचे हुआ, 20%। अब वो बोल रहा है 20% जो शेष है, उसकी राशि हमने मान ली x है, 20% जो शेष है उसमें से भी 80% उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास 80% खर्च है तो मतलब शेष का 20%, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 20। और वही तो बोला कि शेष है, शेष की तो बात कर रहा है, शेष में से अब 80% कच्चा हो गया, कोई भी राशि अपने 100 होती है, तो हमारे पास क्या बचा होगा, ये 20,000 के पास एक राशि ये बच रही है, 30, ठीक है, ये हो गए 30। देखो जो ये तो कट ही गया हमारे पास, इससे हमने काट दिया, ठीक है, 10 से 10 कट गया, ये क्या बचा, 2 5 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, कितनी जीरो बचेंगे हमारे पास, 2 तो यहाँ से बच रही हैं, ठीक है, 2 यहाँ से बच रही हैं। अब हमारे पास क्या बचा, 2 और 1, ये यहाँ से बच रही है, 3 0 2 3, तो हमारे पास क्या हो गई, देखो ये आ गया हमारे पास आंसर, ये है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था वो, शेष वेतन में से है ना, वो शेष वेतन, यानी क्या हो गया, उसके पास 20% तो बचा, अब 20% जो शेष बच रहा है ना, शेष का भी 80% वो खर्च कर देता, उसके पास क्या बचा, शेष 20% बचेगा, यही तो बोला है कि शेष राशि 20,000 है अब, ठीक है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितने की उसका आयतन क्या है, तो घन यानी कि क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, 6a² होता है, तो हमारे पास क्या हो गया, 486 है, तो एक काम करते हैं 6 से काटते हैं, 6 48 6, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, रूट में जाएगी, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, 9, ठीक है, ये हो गया। आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब यानी कि 9 का क्यूब, वॉल्यूम जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 729, ठीक है, 729 हो गया, 9 का क्यूब, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आ रहा है, ठीक है। हमसे बोला है कि यदि दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, हमारे पास ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, इसका परिमाप जो दे रखा है हमको, ये देखा है 24 और 9, ठीक है, हमारे पास जो साइड हो जाएगी डी ई जो है हमारे पास 3 दी है, और इसके भी देखो अगर ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यानी कि 8 8 8 बोल सकते हैं, और ये 3 3 3 हो जाएगी, ठीक है। तो बोला है ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि जो एरिया जो निकालेंगे, यानी कि ये जो साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये 64, और इसका स्क्वायर कर देंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 9, तो इनके ये जो आएगा एरिया का स्क्वायर ये होगा, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है, एरिया देके साइड्स पूछते हैं तो वो इसका रूट कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है। हमसे पूछता है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है, बस समान दूरी को एक साइकिल द्वारा 2 घंटे 10 मिनट में तय करना है, तो साइकिल की किलोमीटर की चाल क्या है, साइकिल की मतलब किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड क्या है उसकी, ठीक है। देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। वो कह रहा है उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, डिस्टेंस हमने डी मान रखी है, टाइम क्या दे रहा है, 3 घंटे 45 मिनट, तो 3 घंटे 45 मिनट को अब एक क्या करेंगे हम, इससे डिवाइड करेंगे, 15 3 45 15 4 60, ठीक है, ये हो जाएगा 3 3/4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 4 4 3 12, और 3 क्या हो गया मेरे पास, 15/4, तो 15/4 है, तो यहाँ पर क्या चलेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया, 15 5 75/4 हो जाएगा, ये जो है मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी। अब ये जो डिस्टेंस आई है, वो जो डिस्टेंस मेरे पास आई है, तो उससे क्या बोल रहा है कि वही समान दूरी को 2 घंटे, अब मेरे को कितने में करनी है, 2 घंटे टाइम जो दिया है मेरे को, 2 घंटे + 10/10 मिनट में करना है, तो इसको घंटे में करना पड़ेगा, तो 1/6 हो जाएगी, 2 सही 1/6 का मतलब क्या है, 6 6 × 12 + 1, ठीक है, क्या आएगा, 13/6 13/6, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हमको निकाल ली है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, 75/4, और हमारे पास क्या है, टाइम की यूनिट क्या है, मतलब 13/6, तो हमारे पास क्या आएगा, 6/13 हो जाएगा,
तो ये क्या करेंगे, द्वितीय छः, दो दूनी चार, 75 तिया, 75 तिया हमारे पास क्या आएगा, 150 से ज़्यादा ही होगा, 5 15 5, हासिल लगी 1 7 21 1 22, तो क्या आएगा 225 डिवाइडेड बाय 13 2 26, ये क्या आएगा 26। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, 26 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 225। देखो 26 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 × 25, तो 625 होता है, वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 26 से देना है तो लगभग 30 से भी मान लेंगे तो क्या होगा 38 24 होता है, तो लगभग हम क्या करते हैं 27 या 8 के करीब जाते हैं, ठीक है, 8 × 48 की 8, आठ से लगी 4 8 × 16 और 4 20, 208, 8 से आ रहा है 208 है, क्योंकि 26 से 9 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 208, 15 में से 8 गई तो 7 और 1 गई, ठीक है, और ठीक है तो 8 सही 17/26 ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं थी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, व्हाट विल द लीस्ट वैल्यू एक्स फाइव डिजिट नंबर इट बिकेम द डिविजुअल 9, लीस्ट वैल्यू पूछा है, तो आपको मालूम कि 9 से डिविजुअल होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कि सम ऑफ डिजिट 9 हो रहा है, तो 5 और 7 और 2 को इसको हटा देंगे तो 6 5, यानी कि एक्स और ये, तो 9 से डिविजुअल होने के 6 और 5 11 होता है, 11 में अगर हम क्या जोड़ें 7 जोड़ लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 7 5, तो अगर इससे डिविजुअल करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ली डिविजुअल करके देख लो, ये तो पता ही है, इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं। हमसे बोला है कितने वर्षों में किसी धनराशि पर वार्षिक दर से मूलधन के बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली वाली, मूलधन के बराबर हो जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगी, क्या बोला है, कितने वर्षों में किसी राशि पर ये क्या हो जाएगा 7 × 14 14 और 6 20/7 वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन जो पी के बराबर चाहिए, तो हम ये लगा लेते हैं P = P × रेट, हमारे पास क्या है 20/7 × 100 बराबर हमको टाइम चाहिए, कितने वर्षों में हो जाएगा, ठीक है, टाइम चाहिए, तो 20 × 5 = 100, ठीक है, तो ये तो ये कट जाएगी 7/35 35, ये टाइम हो जाएगा ईयर, ठीक है, ये हो जाएगा वर्ष हो जाएगा, ठीक है। मोहन को पहली वर्ष में उसकी बिक्री से 12% की वृद्धि प्राप्त होती है, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है, और उस अब उसकी वर्तमान बिक्री है, तो 2 वर्ष पूर्व की बिक्री क्या थी उसकी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वर्तमान की है तो 2 वर्ष पूर्व है, ठीक है, मोहन को पहले वर्ष में इतनी और दूसरे वर्ष में इतनी है, उसकी वर्तमान बिक्री है तो कितनी है, ठीक है, एक्स का हमने मान लिया 12%, 12% का मतलब क्या हो गया, एक काम कर लो, इसको ईजी कर लेते हैं, इफेक्टिव भी लगा सकते हैं, वैसे इफेक्टिव भी लगा लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे भी कर लो बात तो बराबर ही पड़ेगी, वो 12% का मतलब क्या हुआ, 12% का मतलब क्या हुआ 6/50 यानी कि 3/25 यानी कि 28/25 गुणा 15% का मतलब क्या हुआ, 15% का मतलब क्या, 5 × 15 5 × 2 = 10, ठीक है, क्या हो जाएगा 23/20, अब वो किसके बराबर है हमारे पास, ये 128800, ठीक है, ये हो गया, अब लगा लो, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 128800 × 25 × 20 / हमने क्या किया 28 × 23 कर दिया, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। अब देखो पहले हम डीएस लगाने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेटिव तो दिया ही है, 7 8 7 5 12 13 यानी कि 4 5 2 7 1 8 और ये क्या हो गया 6 और ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डीएस लगाने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आएगा 8 और 1 9 तो कट जाएगा, हमारे पास क्या 8 और 2 10 1 तो यहीं से हो रहा है, ठीक है, 5 1 7 5 2 7 और ये हो गया 7 2 14 यानी कि क्या हो गया 5, ठीक है, ये 1 यहाँ से हो गया और ये 5 हो गया, 5 × 5 यानी कि 1 आ रहा है, देखो डीएस से आप करोगे ईजी हो गया, डीएस से आप करोगे ईजी हो गया, हाँ कोई आपको करने की जरूरत ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप अगर इसको सॉल्व भी करोगे थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, देखो चाहे कैसे भी कर लो आप इसको, ठीक है, वरना आप कर ही सकते हो, इसको कैलकुलेशन करना चाहो तो कर लेना, ठीक है, मैं इसको करता तो मैं डिजिटल सम से ही करता, जो कि इसका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, आप करके देख लो डिजिटल सम से भी, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे इसको काटोगे तो वो कितने में कटेगा 4600 के समथिंग कुछ कटेगा, ठीक है, फिर 23 × 46 हो जाएंगे, 25 × 50 × 100, हाँ आप डिजिटल सम से ही करो इसको, ज़्यादा बेहतर तो यही रहेगा, वरना आपको कर सकते हो। चतुर्थ अनुपात पूछा है,
बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चतुर्थ अनुपात में कुछ नहीं करना एक्स है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे, यानी क्या किया है, हम क्या करेंगे, हंड्रेड टेन इंटू एक्स बराबर 12 गुणा 15, ठीक है, ये हो गया 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 2 × 6 = 12, एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 18, ठीक है, ये हो गया 18। उस वृत्त के चाप की लंबाई कितनी है जिसकी त्रिज्या ये है, उस वृत्त की त्रिज्या केंद्र पर 72 डिग्री है, ठीक है। देखो आर्क, आर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आर्क लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क बराबर क्या है, 72/360, ठीक है, इनटू क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो 2πr, आर यानी कि हमारे पास क्या हो गया 35, ठीक है, सत पथ 35, 36 × 72, ठीक है, 36 × 72, 2 × 5 = 10, 5 × 5 गया तो 22 × 44, 44 सेंटीमीटर आ गया लोग, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या कभी पूछा जाता है तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो पाई आर स्क्वायर, बस दो ही फॉर्मूले होते हैं, सर्कमफेरेंस में 2πr और एरिया में लगा एरिया ऑफ सेक्टर, इस तरीके से लगाए जाते हैं, ठीक है। इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इक्वल टू द रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, साइड हमको दे रखी है 3 और वॉल्यूम तो आपको मालूम है, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × 3 = 27, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा 27 और ये क्या होगा सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया पे जब जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा 6a² है, ठीक है, 6a² है, ए यानी कि 9 है तो ये क्या हो जाएगा 9 × 3 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये क्या आएगा 2:1, ठीक है, ये हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आ रहा है, ठीक है, हमसे बोला है कि राम ने 40 किलोमीटर प्रति आवर से 45 किलोमीटर के सड़कर से समान दूर से चलते हुए पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत आयत क्या थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो 3 स्पीड दे रखी है तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है, हमारे पास क्या होता है 3 × x / y और z मान लिया तो क्या होएगा x/y, yz और zx, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा तो बस निकाल लो, इसी में रखना है हमको 3 × ये तो ऊपर तो 40, 45 और ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, और 45 × 40 कर सकते हैं, लिख दूँ पहले तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं, चलो फॉर्मूले लिखते हैं 45 × 40 + 45 × 60 + 60 × 40, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, तो हमको ये सॉल्व करना है बस, इसमें भी डिजिटल सम लगा सकते हैं हम, इसमें भी डिजिटल सम लगा, पहले दशमलव के 2 अंक तक पूछा है तो नहीं लगा सकते क्योंकि अप्रोक्सिमेट आंसर दिया है, पहले सुन लो ये करना ही पड़ेगा, यानी कि 45 × 4 करेंगे तो क्या करेगा 5 × 4 = 20, यहाँ से लगी दो 4 × 4 = 16, 2 = 18, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1800 यहाँ से आ गया, ऐड कर लूँ ये इधर पर लिख देता हूँ 1800, ठीक है, 45 × 60, हाँ 45 × 60 करूँगा, 60 यानी कि 6 से कर लेते 6 × 5 = 30, 6 × 24 = 3, 27, तो 2700 तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 6 × 2400, ये हो गया मेरे पास, ठीक है, 0 0 8 4 12 12 और 7 12 और 7 19 19 की 9 से लगी 1, 4 और 6 9 6 9 हो गया, मतलब 6 2 4 6 हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा 3 × 40 × 45 × 60 / 2 मेरा क्या हो गया 6 9 0 0, 2 0 से 2 0 0 वैसे ही काटेंगे हमारे पास, 3 से काटेंगे 3 × 6 = 3 × 9, ठीक है, ये हो गया। देखो अगर लगभग की बात करें दशमलव की दोस्त 23 × 40 तो ये होती हैं, लगभग अगर 23 × 40 भी अगर इसको करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 23 × 40 अगर मैं 2 से काट लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 6 × 24 × 48, तो 48 के लगभग एक ही ऑप्शन है, देख रहे हो आप, ये है मेरे पास 46.14, अगर मैं 23 × 40 इसको काटूंगा 2 आएगा तो 6 × 12 = 48, ठीक है, उससे थोड़ा सा ही कम आएगा, तो जो कि ये 47 तो है ही, ऐसे भी कर सकते हो इसको क्योंकि दूर दूर सारे ऑप्शन है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये क्या हो गया मेरे पास 6 × 24 ये हो गया 24 × 45 करना है मुझको 24 × 45, वैसे ऐसे ही किया जाएगा ये क्वेश्चन पर, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 24 × 45, ठीक है, तो ये क्या आएगा 24 × 5 = 120, ठीक है, 24 × 4 = 96, ठीक है, 0 × 6 = 2 = 8, और ये हो गया 1080 23, देखो 23 से करेंगे हम
और एक ही डिजिट कर लो क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, तो 23 चौके जा रहा होगा, 23 पंजे होगा नहीं, देखो 23 पंजे 5 15 5 ऐसे लगिए, 4 2 8 1 9, 23 पंजे तो जा रहा है, 5 15 5 आंसर लगी है, 5 10 11 होगा ना, 115 होगा वैसे ही, देखो 115 तो और ज़्यादा हो रहा है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं 23 चौके ही जाएगा हमारे पास, ठीक है 23 चौके, 23 × 4 ठीक है, तो 4 3 12 की तो आंसर लगी है, 4 2 8 92, ठीक है, तो ये क्या होएगा 4 से जाएगा तो 92, तो 4 से एक ही ऑप्शन बन रहा है अब तो, ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा 46.96। वैसे मैं इसको करता जो कि मैं तो ऐसे ही करता कि 23 2 40 करता, क्योंकि 48 भी आ रहा है तो ये 47 तो है ही, तो थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से यही करता कि ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब भी आपको क्या हुआ ये ग्राफ दिया दिया है ना, देखो ये क्या होती है हमारे पास हाइपोटेनियस है, साइन थीटा बराबर क्या है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, ठीक है। अब आपके पास परपेंडिकुलर क्या दे रखा है 2x y, और जब भी ये क्या दे रखा है हाइपोटेनियस x² + y², और जब भी ये क्या आएगा बेस क्या आएगा x² - y², याद रखना ये ऐसे ही आता है, ठीक है, और वरना आप करके भी दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको लर्न होना चाहिए ये चीज़ है, क्योंकि हाइपोटेनियस की वैल्यू हमसे ज़्यादा होगी, हमेशा ही ज़्यादा होगी दोनों साइड से, ठीक है। ये हो गया तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने में कुछ नहीं है, तो आपको मालूम है क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, तो ये क्या हो गया टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या 2x y, और बेस क्या हो जाएगा x² - y², ये हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप क्विक फॉर्म में करोगे तो ज़्यादा बेहतर है इस क्वेश्चन को, वरना आप वैल्यू रख के भी कर सकते हो, एक्स और वाई कोई भी लगा सकते हो, या फिर जब हमारे पास h² p² + b² है फिर इसकी ये भी साइड भी निकाल सकते हो, तो जेवा साइड निकालना ही तो महत्वपूर्ण था इसमें, और तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास, सॉरी क्या गया, हाँ 2 है, ठीक है। हमसे बोला है कि दो लड़कों में से बड़े की आयु छोटे की आयु 3 गुना है, ठीक है, यानी कि हमने मान लिया कि अगर एक एक्स है तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास छोटा हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास बड़ा हो गया, भाई बड़ा ही हो गया, ठीक है, छोटे की आयु 3 गुनी होगी बड़े से, ठीक है, छोटे की आयु दो लड़कों में से बड़े की आयु छोटे की आयु की 3 गुना होगी, सीधी बात है, अगर ये बड़ा होगा तो ये तो ये छोटा वाला उसका क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, ये काम करते हैं, रखो यंगर और उसमें कर लेते हैं, कोई दिक्कत ले लें, देखो दो लड़के हैं हमारे पास, एक की एक्स है इसकी 3 गुनी है, यानी कि अगर ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, हम कह रहे हैं बड़े के रिस्पेक्ट में ये छोटे की उसकी 3 गुनी है, दो लड़कों में से बड़े लड़के की आयु छोटे की आयु की 3 गुनी है, हाँ बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु की 3 गुनी, तो यानी कि ये जी तो छोटा हो गया, ये हो गया हमारे पास, अरे यार ये सही देखा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारे पास छोटा हो गया और बड़े की ये क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, बड़े की आयु छोटे की आयु से 3 गुना, ठीक है, 9 वर्ष पहले यह छोटे की आयु से 5 गुना थी, प्रत्येक की वर्तमान संख्या याद करें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या करेंगे, अब 9 वर्ष पहले है तो 9 वर्ष पहले से हमको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी प्रेजेंट में वर्तमान में लेके आना पड़ेगा, तो यानी कि क्या होएगा 9 वर्ष ये भी बढ़ेगा और 9 वर्ष हमारे पास ये क्या होएगा 3x + 9 हो जाएगा। अब देखो अब उसने क्या बोला है कि ये छोटा है, ये जो है छोटे से 5 गुना थी, ठीक है, देखो क्या आएगी थी 5x + 9 5 45 और ये क्या आएगी 3x + 9 हो जाएगी, ठीक है, तो 5x में से 3x माइनस कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास ये क्या हो जाएगा 9x - 45, तो ये तो 45 तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, हम यानी कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, हमारे पास हमने कुछ ना कुछ गलती की है। देखो ये क्या कह रहा है, 9 वर्ष पहले यह छोटे की आयु की 5 गुना थी, छोटे की तो 9 वर्ष पहले है, तो हम 9 वर्ष हम लेके आएंगे, 9 वर्ष पहले की बात है, ठीक है अगर 9 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, ठीक, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 9 वर्ष पहले पर पहुँच जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर 9 वर्ष पहले है तो अगर यहाँ पर भी माइनस आएगा तो फिर यहाँ पर भी माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5x - 3x हो जाएगा और ये क्या आएगा 9 और ये क्या आएगा 45, अब सही आ रहा है ना, 2x यहाँ पर हो जाएगा
और 45 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, 36, 36 बचेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 18, यानी कि क्या हो जाएगा, तो ये जो है हमारे पास 18 का होगा और ये 18 ती 54 का होगा, ये होगा, ठीक है, ये होगा 9 वर्ष पहले की बात की, क्योंकि ये इक्वेशन बनेगी 9 वर्ष पहले की, ये क्योंकि वो बोल रहा है कि 9 वर्ष पहले ये जो इक्वेशन बनेगी ना कि 5 वर्ष वो थी, ठीक है। हाँ तो हम ऑलरेडी प्रेजेंट में गए, ठीक है। रवि ने अपने मूल अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, वो 45% भार कम का उपयोग करता है, हानि पर देगा, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं डिसऑनेस्ट सेलर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसमें क्या करेंगे, वो कह रहा है कि मैं कोई 100 की चीज लेके आया पर लेकिन वो क्या बोला, मैं 75 रुपये बेचता हूँ, हानि पे बेचता हूँ, तो मैं इसको करता हूँ 25 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 75, ठीक है, ये बोला है। पर लेकिन वो कह रहा है कि 45% कम भार का उपयोग करता है, यानी कि वो क्या कर रहा होगा, 45% का मतलब क्या हो रहा है कि 100 की जो चीज है 100 की बेच रहा होगा और 45 ऐसे बना रहा होगा, तभी तो बात बराबर है, 45% कम तभी तो उसको फायदा होगा। तो ये काम कर सकते हैं, 5 से काट लेते हैं, पनम 45, 5 दूनी 10 और 0, तो ये क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 और ये क्या हो गया, 3 दूनी 6, ठीक है, ये हो क्या गया, 36 की चीज़ को 60 रुपये बेच रहा तभी तो इसको फायदा होगा, 10 में से 6 गई तो 4 और 24, 24 का फायदा हो रहा है वो भी 36 पे, तो परसेंटेज में लगा लेंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 छकनक 36, 2 दूनी 4 द्वितीय 6, ठीक है, 200 बटे 3, 200 बटे 3 का मतलब क्या हो गया, हाँ 200 बटे 3, 200 बटे 3 करा तो सही है, 6 चौक 24 छकनक 36, 2 दूनी 4 द्वितीय 6, तो ये क्या होएगा मेरे पास, तिछंक 18, तिछंक 18 बच्चे की 2 तिछंक 18, तो 66 से ही 2/3 आना चाहिए, मैंने कोई लग गड़बड़ कर दिया, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये तो कम की लेके आया ज़्यादा की बेचेगा, सही बात है। ये जो है 45% कम भार का उपयोग करता है, तो यहाँ 55 आएगा, ये 55 आएगा, ये 45 नहीं आएगा यहाँ पर, ये जो है 55 आएगा एक्चुअल में, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये ना 55, ये जो है 55, 45% तो कम भार का उपयोग कर रहा है, वो कम भार का उपयोग कर रहा है, यानी कि कोई दिक्कत वाली नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक गलती कर दी हमने थोड़ी सी, मैं यहाँ माइनस भी कर रहा था, वो करा भी नहीं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो 45% यानी कि 55 देता है, और मतलब परसेंटेज का यूज़ करते हैं, तो 5 से 5 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
ठीक है, 60 की डिवाइड माइनस करेंगे ही, तो 10 में से 4 की तो 6, और ये क्या हो गया 16, 16 बटे 44, ठीक है ये हो गया मेरे पास, तो 8 बटे 2, ठीक है 4, और ये क्या हो गया मेरे पास 11, तो ये क्या हो गया 400 बटे 11, तो क्या हो जाएगा 11 3 33, ठीक है तो क्या बचेगा मेरे पास 7 11 6 66, ठीक है तो मेरे पास क्या बचेगा 0 और 66 है ना, सॉरी 4 4 बचेगा, ठीक है तो क्या आ गया मेरे पास, तो यही हो गया बस, यानी कि मैंने क्या किया ये 400 का डिवाइड करेंगे हम 11 से, तो मेरे पास क्या आएगा 36 4/11% ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत आ रहा है, वो थोड़ी सी गलती कर दी, 45% कम भार यूज़ कर रहा है ना, यानी कि 55 तो वो दे ही रहा होगा ना ग्राहक को, ठीक है एक तरीके से, ठीक है दो क्वेश्चन और रह गए हैं लास्ट के, देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। एक व्यक्ति 55 मील प्रति घंटा की चाल से 110 मील तक गाड़ी चलाता है, अगली 120 मील की यात्रा 60 मील प्रति घंटे की चाल से चलता है, और अगली 60 मील की दूरी एक घंटे में तय करता है, तो मील में प्रति दूरी उसकी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, वैसे मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, क्योंकि आपको अब इसका आंसर देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने एवरेज स्पीड के काफ़ी अंदर क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन ये भी है हमारे पास, 3 व्यक्ति हैं एक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने इतने इतने वोट मिले, तो जीतने वाले उम्मीद का कुल मत का प्रतिशत क्या था। देखो जीतने वाला वोट तो हमारे पास यही है कि 11,628 है, ठीक है, और टोटल कितना हो गया 1,136,1736, और क्या हो जाएगा 8,261,1, तो क्या हो जाएगा 8 और 6 14 14 और 6 20, हाँ से लगी 2, 3 और 3 6 4 10 का 0, हाँ से लगी 1, 6 6 12 1 13 14 ऐसे लगी 1, 7 और 3 10,
नौ हो गए 10, वहाँ से लगी एक, तो क्या आएगा 20400 × 100। ठीक है, बस इसका परसेंटेज निकालना है। चाहे आप तो इसमें डीएस का भी यूज़ कर सकते हो, डीएस का भी यूज़ कर सकते हो आप 104। ठीक है, डीएस का यूज़ करें, देखो नीचे क्या आ रहा है, 6 और 4 2 6 आ रहा है। ठीक है, और वैसे भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, काटा पीटी करोगे तब भी आएगा, क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, वरना क्या है अभी फेलियर हो जाएगा पूरी वीडियो का। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, इसको इसको डिवाइड दोगे तो आपको 57% ही आएगा। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।